आज भी कुछ ऐसी डिवाइसेज आपके सामने इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, और एक मखसूस डिवाइस है जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च की है। पाकिस्तान नहीं, इसको वो ग्लोबल लेवल पे उसका ये इम्पैक्ट है कि वो उस लेवल की डिवाइस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम डिवाइस की जो है ना वो उनको मतलब रिक्वायरमेंट थी, वो चाह रहे थे कि हमें एक अच्छी डिवाइस मिले और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, उसमें गेमिंग भी हो, खुसूसन वो गेमिंग डिवाइस हो, ग्राफिक्स की डिवाइस हो और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग डिवाइस हो। मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस को आपके सामने प्रेजेंट करने में, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में क्या आपने कहीं भी इस डिवाइस को नहीं देखा होगा, ये ग्लोबल लेवल पर इसने अपने जो है लोहा मनवा लिया है। मैं आपके सामने ये बात गारंटी कह रहा हूँ। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इस लेवल की डिवाइस आपने शायद ही जो है कहीं एंड्रॉयड बॉक्स की कैटेगरी में देखी होगी। इस डिवाइस का नाम है रॉकटेक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स G2, इसका मॉडल का नाम है। सर ये सबसे बड़ा रीज़न है इस डिवाइस का कि जो इसको बाकियों के मुकाबले में इसको एक अलग रखती है, सेपरेट करती है, इसको एक स्टैंड आउट करती है। मींस के ये इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो है ना NVIDIA GeForce का वो बिल्ट इन लगा हुआ है, जिसकी बेस पर आप बड़े से बड़े ग्राफिक्स की जो गेम्स हैं, मूवीज हैं, या आपके अलावा हाई लेवल की जो एप्लीकेशन है वो आप चला सकते हैं। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल का है, बाकियों के मुकाबले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आप बड़े से बड़े इवन जो AI के जो टूल्स हैं, ChatGPT है, गूगल बार्ड है, जो कि अब Gemini बन गया, इस तरह के टूल्स इजीली इसके अंदर चला सकते हैं, कोई मसला नहीं आने वाला। और मेमोरी कितने सपोर्ट करता है? सर ये तकरीबन 2000 GB से भी ज्यादा सपोर्ट करता है। सर इसके साथ एक रमजान ऑफर के अंदर एक डील अपने कस्टमर्स, अपने व्यूअर्स के लिए कि जो भी इस डिवाइस को इस वक्त इस वीडियो में देख के अगर ऑर्डर करता है तो 1 साल का IPTV इसके साथ आपको गिफ्ट मिलेगा। मजे आ गए, पूरी दुनिया का कंटेंट, 12,000 से ज्यादा चैनल्स, 50,000 से ज्यादा मूवीज, टीवी सीरीज में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम, HBO, डिज्नी प्लस, हर किस्म का कॉन्टेंट आप देख सकते हैं। ये गेम स्टार्ट हो गई है, ठीक है रमेश भाई? क्या बात है यार, आवाज की ग्राफिक्स चेक करें, खुद ही आइडिया लगाएं कि मैं इसी कंट्रोलर से खेल रहा हूँ जो प्ले स्टेशन का वायरलेस कंट्रोलर है। दिखा भी दो, वायर के साथ नहीं लगा हुआ, जस्ट डायरेक्टली जो है ना ये कनेक्टेड है। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि हमें बड़ी स्क्रीन पर पबजी खेलनी है, तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है अगर आपके पास एंड्रॉइड बॉक्स मौजूद हो और ऐसा बॉक्स हो कि जो वाकई में पबजी को चलाए। ये वो बॉक्स है आपके सामने उन गेमर्स के लिए, ये आ गया है रॉकटेक टीवी बॉक्स, जिसके थ्रू आप पबजी को बड़ी स्क्रीन पर खेल सकते रन कर सकते हैं। दिस इज योर ड्रीम कम्स ट्रू, जिसको हम कहते हैं एक ड्रीम जो है कम ट्रू। ये बेसिकली हम एक ऑनलाइन मैच के अंदर मौजूद है, ठीक है, लाइव ये गेम चल रहा है। दिस इज एक्चुअली पबजी दैट आई हैव बीन प्लेइंग। तो मैंने आपको ये बताया कि टेक्सोस्टाइल हर कस्टमर के लिए जो है डिवाइसेस लेके आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम बजट की डिवाइसेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, जैसा कि हमारे पास X98K मौजूद है। Android 13 के अंदर एक और हमारा सक्सेसफुल मॉडल है, X88 के बाद X98 आया है, RK3528 3528 के चिपसेट के साथ Android 13 8GB 128GB में आपको मिल जाएगा, और दो रिमोट के साथ है। अस्सलामुअलैकुम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम दानिश भाई, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत? आप ठीक हैं? खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अदनान, आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि यार काफ़ी लोग परेशान हैं, मार्केट जाते हैं या यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते हैं कि कौन सा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स वो परचेज करें, लेकिन यार उनको समझने में बहुत दिक्कत का सामना है, तो आप उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें बताएं जिससे उनको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स खरीदने में आसानी हो। बिल्कुल दानिश भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ऐसा बहुत ज़्यादा मार्केट में हो चुका है। हम शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि बॉक्सेस को ख़रीदने से पहले अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें पर्सनली, क्योंकि हमारा काम है बेसिकली इन बॉक्सेस को डीप में जाके, गहराई में जाके देखना कि उनकी स्पेक्स को समझना और लोगों को पहुँचाना, क्योंकि ज़्यादातर यही मसला हो रहा है। फेक मॉडल्स चलते हैं, रैम रोम में इशूज़ आ रहे होते हैं, कोई जनरेशन है किसी का पता नहीं क्या मॉडल है, कोई एंड्रॉयड का वर्जन कभी 9 होता है तो 11 कर देता है, 12 होता है 13 कर देता है, होता वो है नहीं, अनऑफिशियल बॉक्सेस बिक रहे होते हैं, रैम रोम भी 2 GB 1 GB 2 GB के आसपास ही घूम रही होती है, और 4 4 8 8 GB 16 16 GB भी ले आते हैं भाई, तो इस तरह जो है पब्लिक ही परेशान होती है, अल्टीमेटली आप लोगों को ही नुकसान होता है। तो कस्टमर से और व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप कोई भी बॉक्स लें तो ज़रूर पहले उसको लेने से पहले हमसे कांटेक्ट करें, तो हम आपको उसके प्रॉपर जो है ना गाइडेंस देंगे। आप कोशिश करें कि कहीं से भी बाय करते हैं तो या तो आप एटलीस्ट गूगल पर सर्च करें, अगर आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट की राय लिया करें, हमेशा ये होता है कि मशवरा किया करें, आप जिसको ट्रस्टेड समझते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा काम भी यही होता है कि हम लोगों तक जो है ना, हमसे लोग नहीं लेते, बाय नहीं करते, लेकिन ज़रूर हमसे मशवरा लेके जाते हैं, तो जब आगे जाके जब उनको चीज़ समझ नहीं आती तो उनको बाद में पता लगता है कि यार ये हमने बताई थी बात तो वाकई आगे जाके ऐसा होता है,
केसेस निकले, तो लोगों ने फिर हमें जो है अप्रिशिएट भी किया है, आगे जाके फिर हमसे बाय भी किया, ऑर्डर किया, और आज तक वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सेटिस्फाइड कस्टमर की हमारी लिस्ट भरपूर पड़ी हुई है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके देखें, टेक्सटाइल के बहुत सारे कस्टमर हैं जो रिपीटेड बायर्स हैं। तो असल जो होता है रिलेशनशिप होता है कस्टमर से मेंटेन करना, जब आपका कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वो आपसे बार बार जो है वो कंटिन्यूसली बाय भी करेगा। तो यही टेक्सटाइल का जो है ना वो उसूल है, और ये हमारा जो है ना पॉलिसी है। तो हम इसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए नई से नए डिवाइसेज जो है मार्केट में लेके आते हैं, आपके सामने रखते हैं, और सिर्फ रखते नहीं है, बोलते नहीं है, डब्बे पे लिखा हुआ नहीं होता, उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद भी होती है, उस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं। ये हमारा टेक्सटाइल का एक जो है अलमिरा है। तो आज भी कुछ ऐसी डिवाइसेज आपके सामने इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, और एक मखसूस डिवाइस है जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च की है, पाकिस्तान नहीं, इसको वो ग्लोबल लेवल पर उसका ये इम्पैक्ट है कि वो उस लेवल की डिवाइस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम डिवाइस की जो है ना वो उनको मतलब रिक्वायरमेंट थी, वो चाह रहे थे कि हमें एक अच्छी डिवाइस मिले और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, उसमें गेमिंग भी हो, खुसूसन वो गेमिंग डिवाइस हो, ग्राफिक्स की डिवाइस हो, और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग डिवाइस हो। तो उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ये हर किसी के लिए नहीं है, पहले से मैं कह रहा हूँ, ये एक खास तबका है जो उन्होंने ये हमसे रिक्वेस्ट किया था। अगर आपको ये डिवाइस समझ आती है तो आप ज़रूर लें, अगर आपकी ये मतलब रिक्वायरमेंट को मीट करती है। हम आपको आगे इसकी डिटेल भी बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आउटस्टैंडिंग जो है डिवाइस आपके सामने आ रहे हम रखने वाले हैं। आप कोशिश करें उस वीडियो को पूरा वो देखें, आगे देखें, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, हो सकता है कि शायद इसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, जियो पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब जी ज़रूर जियो पाकिस्तान को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस तरह की जो है मिलती रहेंगी। जो दानिश भाई, अब आपके सामने हम वो डिवाइस को लॉन्च कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस कराई है हमने, ऐसी डिवाइस आउटस्टैंडिंग अमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ है। मैं कहता हूँ मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस को आपके सामने प्रेजेंट करने में, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में क्या आपने कहीं भी इस डिवाइस को नहीं देखा होगा, ये ग्लोबल लेवल पर इसने अपने जो है लोहा मनवा लिया है। मैं आपके सामने ये बात गारंटी कह रहा हूँ। रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस लेवल की डिवाइस आपने शायद ही जो है कहीं एंड्रॉयड बॉक्स की कैटेगरी में देखी होगी। इस डिवाइस का नाम है रॉकटेक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स G2 का मॉडल का नाम है। ये इस डिवाइस की जो है मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप ये देखें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिवाइस है भाई। सर मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल की परफॉर्मेंस मैंने तो आज तक किसी डिवाइस के अंदर नहीं देखी। रीजन क्या है इसके अंदर, जब हम इसके साइड में जाते हैं ना, सबसे पहली चीज आपको ये ग्रीन कलर का एक आइकॉन नजर आ रहा होगा, एनवीडिया जी फोर्स। सर ये सबसे बड़ा रीजन है इस डिवाइस का कि जो इसको बाकियों के मुकाबले में इसको एक अलग रखती है, सेपरेट करती है, इसको एक स्टैंड आउट करती है। मींस के ये इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो है ना एनवीडिया जी फोर्स का वो बिल्ट इन लगा हुआ है, जिसकी बेस पर आप बड़े से बड़े ग्राफिक्स की जो गेम्स हैं, मूवीज हैं, या आपके अलावा हाई लेवल की जो एप्लीकेशन है वो आप चला सकते हैं। सर सिर्फ डब्बे पे नहीं लिखा हुआ है, हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि लोग लिख तो 10-10 चीजें देते हैं लेकिन जब चलाने पे आते हैं तो डिवाइस जो है मर जाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली उस लेवल की डिवाइस है कि हम आपको उसमें गेम्स चला के दिखाएंगे, और खुसूसन एक ऐसी गेम चला के दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा लोग उसके शौकीन है, उसका नाम है पबजी। पबजी का आपको डेमो करके दिखाएंगे इसके अंदर, और इसके अलावा एक और दो बड़ी गेम्स दिखाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा इसके अंदर 50,000 से ज्यादा गेमिंग एम्यूलेटर्स जो है ना वो डले हुए हैं। आपके पास जो है सेगा का एम्यूलेटर है, निंटेंडो का एम्यूलेटर है, अटारी का एम्यूलेटर है, पीएसपी का एम्यूलेटर है, PS2 का एम्यूलेटर है, एक्सबॉक्स का है, एक्सबॉक्स 360 का है, जिस गेम का एम्यूलेटर आप उसके अंदर डाल के उसको चला सकते हैं, ये उस लेवल की गेम को चलाएंगी। 50,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा गेम्स का कलेक्शन इसके अंदर मौजूद है, ये उसको चला सकती है। ये आम डिवाइसेस नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। प्लस इसके अंदर ग्राफिक कार्ड के अलावा आप साइड में देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्वाड कोर सीपीयू A55 कॉर्टेक्स का इसके अंदर लगा हुआ है, साथ ही साथ 4GB रैम DDR4 की है। देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जितने भी बॉक्सेस पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, हम भी इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास भी बहुत सारी वैरायटी आती है, जितने भी सारे DDR3 पर हैं, ठीक है, DDR3 से ऊपर नहीं है। आप कंपैरिजन करें नेट पे जाके कि DDR4 वर्सेस DDR3, आपको समझ आ जाएगी। DDR3 की अगर 12GB या 16GB की रैम है तो वो DDR4 की 4 के बराबर है, 4 फिर भी उसको उसकी सुपीरियरिटी ज्यादा है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से जैसे स्नैपड्रैगन और जो है आपका MediaTek है, MediaTek का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर थोड़े से ऊपर होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की कंपैरिजन होती है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर 4K HDR 120 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो फ्रेम रेट है। ये नॉर्मली आपको 60 फ्रेम पर रेट पर आपने वीडियोस चलाई होंगी, लेकिन ये 120 फ्रेम पर सेकंड पर चलाता है। चौथी इसकी बात, इसके अंदर डॉल्बी विजन और एटमॉस मौजूद है। ये बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम और जो
आपके हाईली हाई क्वालिटी के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं जो डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करते हैं, ये इस डिवाइस पे आप चला सकते हैं। हैंग नहीं होगा डिवाइस, बूट नहीं होगी डिवाइस, जो है वो पावर ऑफ नहीं हो जाएगी, आपकी छोटी डिवाइसेस पावर ऑफ हो जाती है। ये क्वालिटी इसके अंदर है, वाईफाई 6 है, एचडीआर 10 प्लस है, ब्लूटूथ 5.0 है, यूएसबी 3.0 है और 1000 Mbps का जो इंटरनेट का जो राउटर है वो भी ये सपोर्ट करता है। यानी अगर जाहिर सी बात है आप बड़ी गेम्स खेलेंगे तो आपको बड़े लेवल का इंटरनेट राउटर चाहिए जो 50-50, 100-100 MB, 150-150 MB पर सेकंड के जो डाउनलोड स्पीड है उसको लेके चलते हैं, तभी आपकी जो है बड़ी गेम चलती है। तो उसके लिए बड़े राउटर आते हैं, तो ये बड़े राउटर को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये इसके पावर्स के साथ इसका जो रिमोट है वो ब्लूटूथ वॉइस रिमोट है। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल का है, बाकियों के मुकाबले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आप बड़े से बड़े इवन जो AI के जो टूल्स हैं, चैट GPT है, गूगल बार्ड है, जो अब जेमिनी बन गया, इस तरह के टूल्स इजीली इसके अंदर चला सकते हैं, कोई मसला नहीं आने वाला। और मेमोरी कितने सपोर्ट करता है? सर ये तकरीबन 2000 GB से भी ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर टेस्ट किया है। आप क्योंकि जाहिर से बात है गेमें GB के अंदर होती है तो आप उसके अंदर चला के इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी USB एक्सटर्नल ड्राइव आप उसके अंदर चला के इसको उसका अपने स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसके अंदर इसका फीचर मौजूद है। ये तो ऐसा हो गया कि मैं तो होंडा ले था। जी सर ये होंडा एक बार ले लो, वाकई ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जब हम ये बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर आपको जो है इसका इसका बुकलेट मिलता है, शानदार किस्म का बुकलेट है। आप इसके अंदर इसकी पूरी इंस्टॉलेशन दी हुई है, ये इसकी डिवाइस है जो आपको इसके साथ मिलती है। आउटस्टैंडिंग मॉडल है सर, बहुत ही रॉकटेक इसके अंदर जो है इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका सीरियल, हर डिवाइस का अपना एक सीरियल कोड है, हर डिवाइस का अपना एक सीरियल कोड है जो कि इसके जो है गूगल का। अच्छा, इसकी मैं एक और बात बताना भूल गया, ये गूगल डिज्नी प्लस नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम सब लेवल पर सर्टिफाइड है। आप हाई लेवल के जो कॉन्टेंट है वो देख सकते हैं, ओमन डिवाइस के अंदर स्टैंडर्ड क्वालिटी से आगे आप नहीं जा सकते, आप HD और 4K लेवल तक भी जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, तमाम चीजों को ये सपोर्ट करती है क्योंकि ये हर लेवल पर सर्टिफाइड है। ठीक है, इसकी कॉपी वगैरह तो नहीं है मार्केट सर? नहीं आ सकती, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप इसकी कॉपी नहीं बना सकते। एनवीडिया शील्ड का ग्राफिक कार्ड कहाँ से लाएंगे? अगर आपने लिख भी दिया डब्बे पे तो चलाएंगे कैसे? इसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप गेम चला सकते हैं, कॉपी के अंदर ये चीज बात ही नहीं है। और सर्टिफाइड नहीं होगी क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए आपको इसका सीरियल कोड जो है वो गूगल को देना पड़ता है ताकि उनके डेटाबेस में ये मौजूद हो। तो सर्टिफाइड ही नहीं होगी तो आप नेटफ्लिक्स उस लेवल पे चला ही सकेंगे। कोई भी कस्टमर लेगा अगर कॉपी होगी डायरेक्ट जाके चेक करें, ठीक है गेम्स चल रही नहीं चल रही और नेटफ्लिक्स या इस तरह का हाई कंटेंट चलाने जा रहा है नहीं चल रहा, तो सोच समझ जाएगा उसको पास कॉपी मॉडल आया। तो इसका वैसे भी कॉपी मॉडल बनाना जो है अलाउ नहीं है क्योंकि ये लाइसेंस्ड वाली डिवाइस है, कोई भी बनाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी सजा है। अच्छा। ठीक है, तो इस चीज़ से एहतियात रखें। ठीक है, ये रॉकटेक डिवाइस हो गई। इसके अलावा इसके साथ जो है आपको इसका ब्लूटूथ का रिमोट मिलता है, बहुत ही शानदार किस्म का रिमोट है। ये देखें ब्लूटूथ का ऐसा रिमोट आपको कहीं नहीं मिला। रॉकटेक की ब्रांडिंग है, वॉइस का फंक्शन है, कीबोर्ड इसके साथ जो इसके नंपैड का जो कीबोर्ड है वो दिया हुआ है और ये ब्लूटूथ रिमोट है, IR नहीं है, डिवाइस के सामने रखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप इसको चला सकते हैं। वॉइस का कमांड का फंक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग है, हमने चेक किया है। इसके अलावा इसका अपना HDMI 2.0 जो है वो इसके साथ आती है, ये नॉर्मल HDMI नहीं है, ये HDMI 2.0 है ये वायर, क्योंकि हाई ग्राफिक्स पे जब आप जाते हैं तो उसके लिए नॉर्मल HDMI नहीं, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल HDMI चाहिए होती है, 2.0 वाली वायर है। आप मार्केट में जाके चेक करें 2.0 की लेवल की जो डिवाइसेस होती है उसके लिए बड़ी HDMI आती है, तो ये इसके साथ आती है। ठीक है, इसका पावर एडाप्टर जो इसका अपना 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है वो इसके साथ आता है। अच्छा, ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है जो नॉर्मल डिवाइस होती है उसके साथ 5 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर के डिवाइस, ये 12 वोल्ट का एडाप्टर जो इसके साथ आता है। ठीक है, जो इसको चलाता है। और इसकी गारंटी वगैरह? इसकी आपको 2 साल की जो है कंप्लीट वारंटी मिल जाती है, आपको किसी किस्म की जो है परेशानी की जरूरत नहीं, इसमें हर किस्म का सपोर्ट आपको मिलता है। अब हम इसकी जो है डेमो करके दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है, उसमें 2-3 गेम्स भी चला के दिखाते हैं, कंट्रोलर भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हर चीज करके दिखाते हैं। आगे चेक करा लेते हैं, पहले आप थोड़ा सा ये तो बताएं कि इसके साथ दे क्या क्या रहे। सर इसके साथ एक रमजान ऑफर के अंदर एक डील अपने कस्टमर्स अपने व्यूअर्स के लिए कि जो भी इस डिवाइस को इस वक्त इस वीडियो में देख के अगर ऑर्डर करता है तो 1 साल का IPTV इसके साथ आपको गिफ्ट मिलेगा। मजे आ गए, पूरी दुनिया का कंटेंट, 12,000 से ज्यादा चैनल्स, 50,000 से ज्यादा मूवीज टीवी सीरीज में नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो अमेजोन प्राइम HBO डिज्नी प्लस हर किस्म का कॉन्टेंट आप देख सकते हैं, ये सारा इसके साथ आपको मिलेगा। यानी इस ईद लो अगले ईद में एक्सपायर होगा ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तब तक आपके लिए इंशाल्लाह टेक्को स्टाइल कुछ नया लेके आ चुका होगा, जब तक तो नया लेकर आ चुका होगा। आगे इस वीडियो को देखें, इसकी हम जो है आपको डेमो करके दिखाते हैं, लाजमी देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए जी।
दानिश भाई, गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियरफाई करना चाहूँ कि अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल कंट्रोलर मौजूद है, चाहे वो प्लेस्टेशन 4 का हो, एक्सबॉक्स का हो या पीसी का हो, तो आप उसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने प्लेस्टेशन 4 का वायरलेस कंट्रोलर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ब्लूटूथ के थ्रू, कोई भी वायर नहीं लगी हुई है, ये गेम के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके अपना कोई कंट्रोलर वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस के साथ ये फिलहाल नहीं आ रहा है, अगर आप चाहें तो अलग से इसको ऑर्डर कर सके, हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपको जो इसके प्राइस वगैरह बाद में बता देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, अब ये कंट्रोलर इसके साथ कनेक्टेड है, देखें ये गेम जो है स्टार्ट हो गई है। ये हम कोई भी एक राउंड के अंदर स्टार्ट करके चला के देख लेते हैं, तो आपको इसकी ग्राफिक्स का भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आता हूँ उसके अंदर, बड़ा ही जबरदस्त है यार। ये देखें स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। ग्राफिक्स बहुत कमाल की इस गेम की, ज्यादातर आपको रिव्यूज में इस तरह की गेम्स नजर आएंगी, जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की जो डिवाइसेस होती हैं इसमें इस तरह की गेम्स चलाई जाती हैं जो बड़े ग्राफिक्स पे काम करती हैं। तो आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा ये गेम के ग्राफिक्स देख के कि ये कितनी बड़ी गेम है, ठीक है। ये भी स्टार्ट हो रही है, ये गेम स्टार्ट हो गई है, ठीक है रमेश भाई। क्या बात है यार, अब आप इसकी ग्राफिक्स चेक करें, खुद ही आइडिया लगाएं। ये मैं इसी कंट्रोलर से खेल रहा हूँ जो प्लेस्टेशन का वायरलेस कंट्रोलर है, दिखा भी दूंगा। वायर के साथ कंट्रोल, वायर के साथ नहीं लगा हुआ, जस्ट डायरेक्टली जो है ना ये कनेक्टेड है, ये देख। क्या बात है यार, तो जितनी बड़ी गेम्स होती है ना, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ग्राफिक्स जो है डिवाइस के अंदर कितना सपोर्टेड है, ठीक है। ये देख, बहुत ही कमाल की जो है ना आप इसके अंदर स्मूथ ग्राफिक्स के साथ। वाह भाई वाह, ठीक है। हम इसके अलावा दूसरी गेम भी इसके अंदर चला रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे इसके एक और मशहूर गेम है पबजी है, वो हम चला के दिखाते हैं, पबजी चला के दिखाते हैं जी। दानिश भाई, दूसरी गेम हमने जो है लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है, बहुत ही फेमस गेम है जो लोग ज्यादातर लोग आजकल यूज कर रहे हैं, इसका नाम है पबजी गेम। वो ज्यादातर पब्लिक जो है मोबाइल फोन पे जो है वो चला रही होती है छोटी स्क्रीन में, तो लोग काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि हमें बड़ी स्क्रीन पर पबजी खेलनी है, तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है अगर आपके पास एंड्रॉइड बॉक्स मौजूद हो, और ऐसा बॉक्स हो कि जो वाकई में पबजी को चलाए। ये वो बॉक्स है आपके सामने उन गेमर्स के लिए, ये आ गया है रॉकटेक टीवी बॉक्स, जिसके थ्रू आप पबजी को बड़ी स्क्रीन पर खेल सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये आपके सामने देखें, ये पबजी जो है वो लोड हो गई है, और ये वो लाइट वर्जन नहीं है, छोटा वाला जो इसका लाइट वर्जन आया था, ये मेन पबजी का जो बड़ा वाला वर्जन है, और मेन वर्जन जो है ये वही चल रहा है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है भाई। ये हमने चलाया हुआ है, ये थोड़ा ऑडियंस को दिखा भी दूं ना भाई, ये है ना रॉकटेक का बॉक्स, ये देखें नाजरीन, और इसमें वायरलेसली ये कनेक्ट है वाईफाई से, और ये देखें आप पबजी गेम, ये पबजी गेम स्टार्ट हो गई है, अभी इसकी मैच मेकिंग होती है, तो हम इसका आपको एक गेम प्ले भी दिखा देते हैं। ये देखें कनेक्ट हो गया है, ये लोड हो रही है, ऑलरेडी 73% पे लोड हो गई है। नॉर्मल जो मोबाइल फोन्स होते हैं उस पर भी ये लोडिंग में टाइम लेती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है, इसका मैच मेकिंग के बाद इसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं रॉकटेक के बॉक्स पर ये ऑलमोस्ट 90% जो है वो लोड हो चुकी है, अभी हम सिर्फ बात ही कर रहे थे तो इसने इसको ऑलमोस्ट लोड कर दिया है, ठीक है। आई थिंक ये विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये देखें गुड भाई। दिस इज योर ड्रीम कम्स ट्रू, जिसको हम कहते हैं एक ड्रीम जो है कम ट्रू। ये बेसिकली हम इस वक्त ऑनलाइन मैच के अंदर मौजूद है, ठीक है, लाइव ये गेम चल रहा है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं आइडिया, ये अभी आई थिंक मैच मेकिंग स्टार्ट हो रही है, 12 सेकंड के अंदर ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। गुड हो गया भाई, दिस इज एक्चुअली पबजी दैट आई हैव बीन प्लेइंग। ऐसे मुझे खेलने नहीं आती है, तो जिन लोग आती है तो वो खेल सकते हैं इसके अंदर। ये देखें व्यूअर्स, दिस एक्चुअली पबजी आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, करेंटली इनसाइड हम पबजी के अंदर है। वोट हो गया भाई, हालात खराब हो गए। बस ये है कि मुझे राइट्स वाले को खेलने नहीं आती, तो
तो मैं सिर्फ यहीं तक ही दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। बस मकसद ये था कि दिखाना कि पबजी गेम आप इसके अंदर चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी गेम्स हैं, आप चाहें तो उसके अंदर 50,000 रुपये का गेम प्ले। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ, इसके अबाउट के अंदर आप जाएंगे तो ये बिल्कुल अप टू डेट डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस प्रेफरेंस में हम जाते हैं, अबाउट के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये आपका ये देखें अक्टूबर 2023 पर इसका सिक्योरिटी का पैच है, ये एंड्रॉइड 12 पे कन्वर्ट हो चुकी है, इसका अपडेट कंटिन्यूसली आता रहता है, ठीक है। अभी इसका एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी लॉन्च होगा, तो जैसे जैसे इसके अपडेट्स आते हैं वो आप इसके अंदर इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूसली सिस्टम अपडेट मौजूद है। करंटली ये जब डिवाइस आई थी तो एंड्रॉइड 11 पर थी, इसका एंड्रॉइड 12 का नोटिफिकेशन हमें आ गया था, अभी हमने इसको किया नहीं है, तो आप इसको एंड्रॉइड 12 पे भी अपडेट कर सकते हैं। एंड्रॉइड 12 के बाद एंड्रॉइड 13 का नोटिफिकेशन भी ये जल्द ही जल्द जो इसका आने वाला है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, तो ये मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। अच्छा, इसके प्राइस के हवाले से आप बताएं हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, प्राइस मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये डिवाइस हर किसी के लिए नहीं है, एक लिमिटेड तबका है, कुछ एक ऑडियंस है जो हमसे रिक्वेस्ट कर रही थी। अगर आप डिवाइस की आपने परफॉर्मेंस देख ही ली है तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो हम वैसे ही हमने इस पर डील लगाई हुई है। ये नॉर्मली अगर आप इसको अमेजोन पर देखेंगे या दूसरी जगह तो ये इसकी $150-$150 इस वक्त इसके करंट रेट चल रहे हैं, विच इज़ वेरी हाई। बट आप अगर हमारे पास इसको लेते हैं क्योंकि हमारे पास बल्क ऑर्डर में आता है तो हमें जो है थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, तो पब्लिक इसको कस्टमर को जो हम इसको ऑफर दे रहे हैं 1 साल IPTV के साथ, जो भी कस्टमर हमसे ये बाय करेगा 36,500 रुपीज़ की ये डिवाइस है, 36,500 की आपको मिलेगी डिलीवरी के साथ, 1 साल का IPTV इसके अंदर इंक्लूडेड है। गुड हो गया, आप बाहर जाके देख सकते हैं रॉकटेक के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, बहुत हाई लेवल की डिवाइस है, लेकिन ये हमने इस वक्त प्राइस के अंदर कमी की हुई है उन लोगों के लिए, जो लोग इसको एक्सपीरियंस करें और टेक्फो स्टाइल से बाय करें तो एक स्पेशल जो आपको ये ऑफर मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है ये एक प्रीमियम डिवाइस है, तो मैंने आपको यही बताया कि टेक्सो स्टाइल हर कस्टमर के लिए जो है डिवाइस लेके आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम बजट की डिवाइसेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, जैसा कि हमारे पास X98K मौजूद है, एंड्रॉइड 13 के अंदर एक और हमारा सक्सेसफुल मॉडल है, X88 के बाद X98 आया, RK3528 3528 के चिपसेट के साथ एंड्रॉइड 13 8GB 128GB में आपको मिल जाएगा, दो रिमोट के साथ है। रमजान ऑफर ये है कि जो लोग अभी इस वीडियो के थ्रू जो है इसको ऑर्डर करेंगे तो उनको एक ब्लूटूथ एयरबड्स जो है वो गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट जो है एंड्रॉइड बॉक्स के साथ है, ठीक है। 12,500 रुपए इसकी प्राइस है, एंड्रॉइड 13 RK3528 3528 के चिपसेट के साथ है। आप ये गौर करें कि मैं हमेशा प्रोसेसर के साथ जो डिवाइस को बताता हूँ क्योंकि उसका प्रोसेसर ही मेन होता है और इसके अंदर वही प्रोसेसर लगा हुआ है जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरी डिवाइस हो गई। इसके अलावा अगर आप इससे कम बजट की आते हैं तो H96 Max Plus आपको मिल जाएगा, वॉइस रिमोट के साथ है H96। बहुत ही कमाल की डिवाइसेस हैं, बहुत ही पावरफुल मॉडल होते हैं, नाम है H96 Max का, इसी का ही नेक्स्ट वेरिएंट है। वॉइस रिमोट के साथ आपको 8,500 रुपये मिल जाएगा, 8,500 रुपये का, 3 मंथ्स के IPTV के गिफ्ट के साथ, ठीक है। डिलीवरी इसकी भी फ्री है, रमजान ऑफर चल रही है सर, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द अपना ऑर्डर दें, कोशिश करें इसको बाय करें क्योंकि बहुत सारी डील्स लगी हुई हैं और स्टॉक भी लिमिटेड है, ठीक है। इससे भी कम में अगर कोई डिवाइस लेना चाहता है, इससे कम में देखें, बहुत ज्यादा हम जो है डीप में नहीं जा सकते, 3,500-3,500 के लोग डिवाइसेस सेल कर रहे होते हैं लेकिन वो एक तरह का कचरा होता है मेरी नजर में, वो बेसिकली एक रविश है, गार्बेज है, क्योंकि आप लेते हैं 2-3 दिन इसकी कोई लाइफ भी नहीं होती, चलाते ही जो उसके पावर ऑफ हो जाता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पैसे जाया करने वाली बात है। तो आप कोशिश करें एक सूटेबल बजट रखें, अगर आपको सिर्फ यूट्यूब चलाना है तो उसके लिए भी मेरे पास एक डिवाइस मौजूद है, MXQ Pro का एक मॉडल है, वो आपको मिल जाएगा, ये हमारा टेस्टेड है, इसके भी बहुत सारी कॉपीज मार्केट में मौजूद है, खराब तरीके से जो है बनाए जाते हैं, चीप लेवल के जो है रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, ये आपको अच्छे क्वालिटी में हमारे पास मिल जाएगा, 5,200 रुपए का है 4GB 64GB में है, यूट्यूब वगैरह के लिए ऑफर करेंगे, AMLogic S905L की सीरीज का जो प्रोसेसर है वो लगा हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है लेकिन कम बजट के अंदर है, कम बजट के ये अंदर उसके लिए उन लोगों के लिए जिनको यूट्यूब वगैरह और टीवी को स्मार्ट करना है, ठीक है। तो आप अगर आपको चैनल्स और वगैरह देखना है तो उसके लिए फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप H96 Max Plus की तरफ जाएं, या अगर आपको एक अच्छी मशीन चाहिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ बेहतरीन रिजल्ट और लेटेस्ट डिवाइस, तो मैं आपको कहूंगा X98K की तरफ जाएं, ठीक है, वो एंड्रॉइड 13 के अंदर है, और अगर आपको प्रीमियम मशीन चाहिए तो फिर रॉकटेक आपके लिए। अदन, ये एवेंचुअली के बारे में तो बताओ। जी, एवेंचुअली भी हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था, ये भी अगर कोई बंदा मंगवाना चाहे तो वो मंगा, ये बेसिकली सिक्योरिटीज की जो कंपनीज होती हैं जिनको प्ले स्टोर वगैरह पे एप्स वगैरह इंस्टॉल करनी होती है, सिक्योरिटी कैमरेज चलाने होते हैं, और उनके लिए हमने रखी हुई है एवेंचुअली का मॉडल, अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, ये आपको हमारे पास से 9,800 रुपये का मिल जाएगा,
बहुत ही लिमिटेड स्टॉक रह गया है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, आखिरी ये पीसेस पड़े हैं। जिन लोगों ने लिया है वाकई बहुत अच्छा फीडबैक था, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। और अगर आप चाहते हैं तो एहतसलात भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, एहतसलात के वेरियंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, आप वॉइस के साथ विदाउट वॉइस के साथ दोनों मंगवा सकते हैं, 7,500 का विदाउट वॉइस और 8,500 का वॉइस के साथ आप मंगवा सकते हैं। और भी अगर कोई बॉक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी में ही अपने एड्रेस जी, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, फिजिकली बड़ा ही आसान एड्रेस है, सदर मोबाइल मार्केट, अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मशहूर है, स्टार सिटी मॉल के सामने है, जो भी सदर मोबाइल मार्केट में आता है उसको अल नजीबी का टावर, यहाँ पे बड़ा सा 15 फ्लोर की बिल्डिंग है। एड्रेस कुछ यूँ है, ऑफिस नंबर 1109 फ्लोर, अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सदर मोबाइल मार्केट, कराची। ठीक है, यहाँ से आके आप जो है फिजिकली जो है बाय कर सकते हैं। और अगर कोई हमसे जो है मोबाइल फोन पर कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है 03141394684, यहाँ से आप मुझसे मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी प्लेस कर सकते हैं, www.techforstyle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, तमाम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जियो बलोगिस्तान है, जियो पाकिस्तान है, आप यहाँ से भी हम आपसे जो है ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, और सोशल मीडिया पर जाके ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं, हर किस्म हर जगह से आपको जो है हम आपको इजीली इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे और प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में फ्री है जी, फ्री है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि अदनान आपके पास ये कुछ और भी गैजेट्स हैं, इसके बारे में जी बिल्कुल, ये जैसा टेक्फोस्टाइल जो है वन स्टॉप गैजेट है, तो आपको यहाँ पर हर किस्म का यूनिक गैजेट मिलेगा, पावर हमारी वेबसाइट पे तमाम मौजूद हैं, पावर बैंक्स मिल जाएंगे आपको, स्मार्ट ब्लूटूथ ग्लासेस नए आए थे, सब मौजूद है, ब्लूटूथ ग्लासेस हैं, 8GB लैंप्स वगैरह हैं वो मिल जाती हैं, 3-in-1 4-in-1 चार्जर्स हैं वो मिल जाते हैं, ब्लूटूथ एयरबड्स हैं वो मिल जाते हैं, हर किस्म की क्वालिटी आपको जो है यहाँ से टेक्फोस्टाइल से मिल जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें आप जो जो आपको ऑर्डर करना है, रमजान डील चल रही है, सब पे डिस्काउंट लगे हुए, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, काफी इन्फॉर्मेशन आपने दी, यही नहीं कि आगे ईद के बाद और भी आपके पास जी जी इंशाल्लाह एक से नए से नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो आप कोशिश करें बस कनेक्टेड रहें, तो आपको इंशाल्लाह न्यू से न्यू चीजों का आइडिया होता रहेगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।